बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे कपल्स हैं जिन्हें इंडस्ट्री में बेस्ट कपल माना जाता है, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली का नाम भी शामिल है। जी हाँ, ये दोनों इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट कपल में से एक हैं और इनकी लव मैरिज हुई थी। वहीं इनकी शादी को आज बहुत साल हो चुके हैं और अब भी ये मिथुन के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेत्री हैं जिनका पहला प्यार सिर्फ एक नहीं बल्कि दो या तीन होते हैं। उन अभिनेत्रियों में से अभिनेत्री योगिता बाली भी एक हैं। वेल, आपको ये बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर ये बात हकीकत है। योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी करने से पहले ही इंडस्ट्री के दो बड़े शख्स को अपना दिल दे चुकी थी। आखिर कौन है इंडस्ट्री के वह दो बड़े शख्स जिनके लिए योगिता दीवानी हो गई थी? आज की इस वीडियो में हम आपको उन दो बड़े शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं योगिता बाली के फर्स्ट लवर्स के बारे में, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री योगिता बाली के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर वन, किशोर कुमार। वेल, हम बात करेंगे योगिता बाली का पहला प्यार, जिन्हें वे पहली नजर से ही प्यार कर बैठी थी। तो वे अब कोई नहीं बल्कि इंडस्ट्री के प्रसिद्ध सिंगर किशोर कुमार हैं, जिन्हें वे बेइंतहा प्यार कर रही थी। आपको बता दें, योगिता बाली सिर्फ एक मशहूर अभिनेत्री नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी। इनकी खूबसूरती काफी सुर्खियों में रही है। इन्होंने इंडस्ट्री में कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया है, जिनमें उस दौर के अभिनेता देवानंद, संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई मशहूर अभिनेता शामिल है। लेकिन योगिता बाली की जिंदगी में इंडस्ट्री के चाहते गायक किशोर कुमार की एंट्री हुई, जिसके बाद योगिता बाली की जिंदगी ही बदल गई और इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे किशोर कुमार की सुरीली आवाज से प्रभावित होकर योगिता किशोर कुमार को अपना दिल दे चुकी थी। आपको बता दें, योगिता किशोर कुमार के प्यार में इस हद तक दीवानी हो गई कि जल्दी उनसे शादी भी कर ली और इसके बाद इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक इनके बीच अनबन की खबरें आने लगी और इन्होंने सिर्फ 2 साल एक साथ रहकर अलग हो गए, जिसके बाद योगिता मिथुन चक्रवर्ती से अपनी शादी रचा ली थी। नंबर टू, बोनी कपूर। किशोर कुमार के साथ साथ योगिता बाली का पहला प्यार बोनी कपूर भी थे। बोनी कपूर की बात करें तो ये कोई छोटे मोटे शख्स नहीं बल्कि ये भी इंडस्ट्री के एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें योगिता देखते ही दीवानी हो गई थी। आपको बता दें, इनकी पहली मुलाकात एक फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसमें योगिता एक बतौर अभिनेत्री काम कर रही थी। वहीं बोनी कपूर उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। इसी दौरान योगिता बोनी कपूर को बेहद चुहाने लगी और अपना दिल दे बैठी। पर कुछ समय बाद योगिता को पता चला कि बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा हैं, तो वे बहुत टूट सी गईं और इसलिए ही योगिता अपना प्यार का इजहार बोनी कपूर से नहीं कर पाए, जिसके बाद इन्होंने अपना प्यार का कदम पीछे की और खींच लिया। वेल, दोस्तों, योगिता बाली अगर मिथुन चक्रवर्ती से शादी ना करके इन दोनों अभिनेताओं में से किसी एक से शादी करती तो किसके साथ इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।